गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजे हैं 2 और मैं अभी जाने वाला हूँ फार्म पर, तो चलिए आपको वहां जाकर मिलूंगा। तो पल की इच्छा है कि आज हम संडे है तो जाएंगे फार्म पे। तो वेलकम दोस्तों, हम हमारे फार्म का नजारा बाहर से बता दूंगा। तो चलिए लेट्स गो, मैं चलता हूँ फार्म पे। आज काफी दिन से तुमको मैंने घर का सिनेरियो बताया है, तो मैं आज मेरे खुद के फार्म पे जाने वाला हूँ। तो मैं ले चलता हूँ फार्म पे। अभी मैंने गाड़ी भाई को दे दिया है क्योंकि मेरा ध्यान कैमरे में है, तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो पाल पीछे बैठा है। पाल क्या जवान हो पाल? आज पाल की इच्छा थी फार्म पर जाने का, एक शूटिंग लिए क्या पाल? तो आज पाल की इच्छा पूरी हो जाएगी। ट्रैफिक लगता है मुझे कि ज्यादा है, और हम कामरेड से अभी ये तापी के ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से टोल टैक्स के आगे 2 किलोमीटर राइट टर्न मारना है, फाउंटेन होटल के पास से जो रास्ता जो गिरता है वहीं से निकलना है हमें। वहाँ से 8 किलोमीटर हमारा स्काईविला फार्म हाउस है, और इधर से सूरत से 26-27 किलोमीटर पड़ता है। तो काफ़ी एकदम शांति और शुद्ध वातावरण है वहाँ, और एकदम सब फ्रेश लीला हरियाली जैसा वातावरण है वहाँ, और खूब मज़ा आता है वहाँ। और उसका नाइट का जो नज़ारा है वो बहुत सा बढ़िया है। तो आज तो मैं नाइट नहीं रुकने वाला हूँ, पर मैं नाइट का नज़ारा पहले गया हूँ, मेरे पास फोटो है तो मैं तुम्हें शेयर करूँगा। और इधर आज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लगती है मेरे को, आज संडे के दिन काफ़ी ट्रैफिक रहती है। आगे 1 किलोमीटर टोल टैक्स है और सभी गाड़ी लाइन में खड़ी रह गई है, क्या मालूम आज ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। ट्रैफिक तो नहीं था, पर छोटा सा एक्सीडेंट था उसकी वजह से ट्रैफिक हो गई थी। अभी तो एकदम रास्ता क्लीन है और एकदम बेस्ट रोड खाली है। सामने आ रहा है टोल टैक्स, और ये नारियल की काफी सुंदरता है, वे पर लग रही है, दिख रही है बेस्ट। मानसरोवर ये टोल टैक्स का जब 500 मीटर पड़ता है आगे। अब हम ये
हमारा जो रास्ता है ये गाय बंगला रोड बोलते हैं, जो मांडवी 40 किलोमीटर पड़ता है, बारडोली 35 किलोमीटर और बौधान 15 किलोमीटर पड़ता है। आप देख लीजिए। जय हिंद सर। बोलो जी, कैसे हो तुम? बढ़िया हूँ सेठ। कैसे हो रहा हूँ भैया? एकदम अच्छा सेठ। और ये एंट्री बेंट्री कैसे कर रहे हो? बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छा फार्म में चल रहा है। और बताओ कि फार्म के अंदर सब अच्छा है सेठ? बिल्कुल सब अच्छा, फर्स्ट क्लास है सेठ, एवन क्लास का। अच्छा अच्छा, हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, काफी मेहनत करते हैं और काफी ईमानदारी से काम करते हैं, और इसका नाम है रामू भैया। इतना क्लीन फार्म है, क्लीन फार्म, बढ़िया फार्म है ये, और ये जबरदस्त, और ये स्विमिंग पूल है, काफी क्लीन पानी है इधर स्विमिंग पूल में, और
बेस्ट बेस्ट नजारा है, आप देख रहे हो फार्म में। एकदम शांति होती है, नज़ारा एकदम बेस्ट होता है, कोई शोर कोई आवाज़ नहीं, कोई धुन नहीं, कोई वाहन की आवाज़ नहीं और बढ़िया मज़ा आता है। तो दोस्त लोग, आपने फार्म हमारा देखा और पल को भी आज फार्म पे जाने की इच्छा थी। Thank you.
पे अभी जा रहे हैं घर पे, और ये फार्म का बढ़िया नज़ारा है। ये हमारे प्रमुख जी हैं इस फार्म के, स्काई बिल्ला फार्म हाउस के, जो अपने जो यहाँ के विक्रम सिंह हैं उनके बच्चों के साथ गले मिले हैं। धन्यवाद सेठ, बहुत अच्छे हैं सेठ। मैं जा रहा हूँ तो मैं आखिरी बार मिल लेता हूँ रामू भैया को। तो चलो रामू भैया, आप अपना ड्यूटी निभाना, तो हम जा रहे हैं। ठीक है, चलो बाय। अच्छे से निभाऊंगा सेठ, अच्छे से। हाँ चलो, चलते हैं अभी घर पे, घर की ओर। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्त लोगों फार्म हमारा, और ये आज हमारे पलू भाई, आज हमारे जो पल भाई है, तो पल भाई की इच्छा थी, सुबह से बोल रहे थे कि मुझे फार्म पे जाने का है। और पल भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? अभी अभी हम अब जा रहे हैं सूरत घर की ओर, तो चलिए ले चिको। अब हम सूरत पहुंच गया है और ट्रैफिक भी जम गया है। पहुंच